ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर टोल प्लाजा पर सिटी ऑफ एपरल साइनेस का आयोजन किया गया। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस साइनेस का उद्घाटन किया। एनएसी के अध्यक्ष ललित ठुकराल के मुताबिक उनका मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, इसलिए यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले को युवाओं का शहर घोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत अपैरल पार्क में भूमि आवंटित की जाएगी जो उद्योगों के मद्देनजर जिले को मजबूती देगी और 5 लाख नौकरियां पैदा भी करेंगी। इसके साथ ही एनएसी ये सुनिश्चित करेगा कि इसका अधिकांश हिस्सा आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों को मिले और 70% कार्यबल महिलाएं होंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेवर टोल प्लाजा के पास ये साइनेज लगाया जाएगा ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। सिटी ऑफ अपैरल साइनेज का आयोजन किया गया है। पार्क ऑफ अपैरल पार्क, तो ये एक ऐसा उद्योग अपैरल पार्क के रूप में यहाँ विकसित होने जा रहा है जिसमें तकरीबन 70% महिलाओं को रोजगार मिलेगा और ऐसी महिलाओं को जो अनस्किल्ड हैं हम उनके लिए सिलाई केंद्रों का गांव-गांव में ट्रेनिंग के कार्यक्रम कराएंगे और हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही यहाँ इंडस्ट्री चालू हो अपैरल पार्क से संबंधित, उससे पहले ही हमारे क्षेत्र की महिलाएं इस लायक हो जाएं जो उन्हें उन कंपनियों में रोज़गार मिल सके। यह आप भी जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट की स्थापना के बाद दुनिया की नामचीन कंपनियों ने जिस तरीके से निवेश इस क्षेत्र में किया है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडस्ट्री को लगाने में हो, चाहे वो लैंड सब्सिडी हो, चाहे आगे वर्किंग कैपिटल हो। तो ये सिर्फ हमें बिजनेस को डेवलप करके कस्टमर्स को यहाँ तक खींच के लाना है सो दैट ये बिज़नेस जो है और फ्लरिश करे। तो मेरी समझ में ये है कि आने वाले जो अगले 3 से 5 साल के बीच में होगा ये टोटल ऑपरेशनल होगा अपैरल पार्क, और जैसे ठुकराल साहब ने बताया कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी जिसके अंदर ये इस जगह पर रोज़गार के साथ 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 में डेवलपमेंट्स होंगी लोगों के रहने की भी और साथ में स्कूल एजुकेशन के भी।